शेष जी कहते हैं, मुने जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया तो राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्न चित्त हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठा पूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, प्रलय काल में आप संपूर्ण लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभो, आप जन्म और जरा आदि के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न परमात्मन, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर अमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवान, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विजवंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो पवित्र यव आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा मनोवांछित कामना एवं समृद्धि देने वाले हैं, उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारण करते हैं। परम पावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभयदान न दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब दानवी शक्तियां हमें दुख देने लगें, तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ अपने भक्तों द्वारा पूजित अजन्मा तथा अविकारी हैं, तथापि अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र, पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है। जो सबके आदि हैं परंतु जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर तरुण रूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव की भी कांति को लज्जित करने वाले हैं, साक्षात भगवान शिव जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, तथा जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री रघुनाथ जी सदा ही विजयी हों। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी देवताओं की इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख बोले, श्री राम ने कहा, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो तथा जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दशानन का जो वध किया है उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचावे, तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल तथा रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लास पूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा। यह कहकर नरदेव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी चुप हो गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए
प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था, न कभी ईति दिखाई देती और न शत्रु से ही कोई भय होता। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनाथ रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी, उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम के मुख की ओर निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जातीं, वे एक टक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था। सदा इष्ट यज्ञ यागादि और आपूर्त कुएं खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी। समूचे राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती रहती थी। जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके ऐसे क्षेत्रों से वह देश भरा हुआ था। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते थे, गौएं अधिक थीं और घास पात का अच्छा सुभीता था। स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थीं। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे। कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कहीं भी सदंभा, दंभ या पाखंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल समुदाय ही कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न थे। उनके धन नहीं कुलीन थे, अर्थात उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की स्त्रियों में ही विभ्रम हावभाव या विलास था। विद्वानों में कहीं विभ्रम भ्रांति या भूल का नाम भी नहीं था। वहां की नदियां ही कुटिल मार्ग से जाती थीं, प्रजा नहीं, अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही तम अंधकार से युक्त थी। मनुष्यों में तम अज्ञान या दुख नहीं था। वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग देखा जाता था, धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं। अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्व गुण का ही उद्रेक होता था, रजोगुण का नहीं। धन से वहां के मनुष्य ही अनंध थे, मदांध होने से बचे थे। उनका भोजन अनंध अन्न रहित नहीं था। उस राज्य में केवल रथ ही अनय लोक रहित था। राज कर्मचारियों में अनय अन्याय का भाव नहीं था। फरसे फावड़े चमर तथा छत्रों में ही दंड डंडा देखा जाता था, अन्यत्र कहीं भी क्रोध या बंधन जनित दंड देखने में नहीं आता था। जलों में ही जड़ता या जलत्व की बात सुनी जाती थी, मनुष्यों में नहीं। स्त्री के मध्य भाग कटी में ही दुर्बलता पतलापन थी, अन्यत्र नहीं। वहां औषधियों में ही कुष्ठ कूट या कूठ नामक दवा का योग देखा जाता था, मनुष्यों में कुष्ठ कोढ़ का नाम भी नहीं था। रत्नों में ही वेद छिद्र होता था, मूर्तियों के हाथों में ही शूल त्रिशूल रहता था, प्रजा के शरीर में वेद या शूल का रोग नहीं था। रसानुभूति के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था, भय के कारण कहीं किसी को कंपकपी होती हो ऐसी बात नहीं देखी जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्यों में कोई मतवाला नहीं था। तरंगें जलाशयों में ही उठती थीं, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। दान मद का त्याग केवल हाथियों में ही दृष्टिगोचर होता था, राजाओं में नहीं।
कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं। दृढ़ बंधोक्ति, सुश्लिष्ट प्रबंध रचना या कमल बंध आदि श्लोकों की रचना केवल पुस्तकों में ही उपलब्ध होती थी। लोक में कोई सुदृढ़ बंधन में बांधा या कैद किया गया हो ऐसी बात नहीं सुनी जाती थी। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी से लाड़ प्यार प्राप्त होता था। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए वे उस संपूर्ण देश की रक्षा करते थे।